एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा भवरे। कैसे हो आप सब? तो आज निकी की छुट्टी है, इसलिए हमने सोचा कि जो भी छुटपुट चीज़ें लेनी है हम मार्केट से, वो आज चल के ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, निक्की भी रेडी हो गई थी, तो फिर हमने सोचा चलो चलते हैं मार्केट। और शाम का टाइम हो गया था, 4 बज गए थे, तो हम शाम को ही जाने वाले थे क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है। और निक्की यहाँ पे व्हाइट सॉस पास्ता रेसिपी शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, इसका भी व्लॉग जल्द ही आएगा आप सबके पास। तो फिर हमने पास्ता खाया और शाम हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि चलो चाय भी बना लेते हैं, चाय पी के ही चलेंगे। और सब्जी भी मैंने बना ही ली थी एक तरफ, फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई और चाय पी के हम दोनों मार्केट के लिए निकल गए। चारू की भी छुट्टी थी, लेकिन चारू और पापा किसी रीज़न की वजह से आउट ऑफ दिल्ली थे, तो घर में हम तीन ही लोग थे। हित्तू को मार्केट जाना नहीं था, तो हम दोनों ही मार्केट गए थे। चाय बन के रेडी थी और मैं अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी। चाय पी के हम दोनों निकल गए थे मार्केट जाने के लिए। बस मिल गई थी हमें डायरेक्ट, तो यहाँ पे निक्की पिंक टिकट दिखा रही है अपनी। मार्केट पहुँचते ही निक्की को फुटवेयर लेने थे, हमने बहुत सारी शॉप देखी थी जहाँ पे नहीं मिल पाए थे, तो ये एक फाइनली जो शॉप मिली थी, यहाँ पे निक्की को अपना साइज़ मिल गया था। हमारे लिए साइज़ मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत पैर पतला है। और यहाँ पे एक भी भैया थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिंग्स लगा रखी थी, तो मैंने और निक्की ने यहाँ पे रिंग्स देखी थी, हमें पसंद आई, हमने ले ली फटाफट से। उसके बाद निक्की को कुछ और भी अपने इयररिंग्स और कुछ नेकलेस तो नहीं, नेक पीस देखना था, तो वही वो देख रही थी। उसके बाद उसने लिए अपने लिए बैंगल्स। इन अंकल से हमने पहले भी बैंगल्स लिए, ये बहुत अच्छा सेट बना के देते हैं, कमला नगर में इनकी शॉप है। बस यही सारा सामान लेना था और रात हो चुकी थी, 9 बज गए थे, तो हमने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं। यहाँ निक्की ना अपने इयररिंग्स दिखा रही थी, उसने इयररिंग्स लिए थे तो वही दिखा रही थी, दिख नहीं रहे हैं, आई नो। हम लोग फिर घर पहुंच चुके थे, हमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं लेना था, फटाफट से जो भी सामान लिया लेके हम फटाफट घर पहुंचे। और घर जाके फ्रेश फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर मैंने सोचा कि रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे हम लोग, इसलिए फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे रोटी बनाई थी। बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो यहाँ पे हम दोनों ने मिलके खाना खाया। और पीछे टाइम देखो कितना लेट हो चुका था, और हमारी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। उसके बाद हम आइसक्रीम लेकर आए थे, वनीला यमी यमी, तो हमने अपनी आइसक्रीम को भी इंजॉय किया। तो ये था एक छोटा सा मिनी व्लॉग शॉपिंग वाला। आजकल शॉपिंग ज़्यादा हो रही है मुझे पता है, और अभी शॉपिंग चलती ही रहेगी। तो ये था हमारा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय।